हेलो फ्रेंड्स, मैं शर्मिला। आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल शर्मिला डायरी में बहुत बहुत स्वागत है। तो आज मैं बनाने जा रही हूँ मटन मसाला इन कुकर। तो उसके लिए मैंने ये 1 केजी मटन लिया है, इसको अच्छे से धो लिया है। ये थोड़े से गरम मसाले लिए हैं, 7-8 लौंग है, छोटी इलायची, ये नटमैग है, तेज पत्ता, जावित्री और एक बड़ी इलायची। ये मैंने 4 हरी मिर्च ली है, 10 से 15 मैंने ये लहसुन की कलियां ली हैं, 1 साबुत लहसुन ली है और 450 ग्राम मैंने ये प्याज को रफली चॉप कर लिया है। 350 ग्राम ये प्याज है, इसको मैंने रफली चॉप कर लिया है और 1.5 टीस्पून नमक है, 1 टीस्पून जीरा पाउडर है, 1 टीस्पून मटन मसाला है और 1 टीस्पून कश्मीरी मिर्च और बाकी हल्दी, मिर्ची, धनिया जो मैं ऐड करूंगी वो मैं आपको बताऊंगी। तो उसके लिए मैं सबसे पहले गैस को ऑन कर लेती हूँ। गैस को मैंने ऑन कर लिया और इसमें मैं कुकर में सरसों का तेल डाल दूंगी। कम से कम 200 ग्राम सरसों का तेल हम इसमें डालेंगे। और हमने तेल को पकाना नहीं है, मतलब तेल को गरम नहीं करना है, कच्चे ही तेल में मैं ये साबुत गरम मसाला डाल दूंगी। प्याज डाल दिया मैंने। अगर आप इस तरीके से बनाएंगे तो बहुत ही टेस्टी मटन बनता है और थोड़ा जल्दी भी बन जाता है। ये मैंने प्याज डाला, ये हरी मिर्ची डाली, ये साबुत 1 लहसुन डाल दिया और ये लहसुन की मैंने ये जो कलियां हैं साबुत, वो भी साबुत ही डाल दी। अब ये मैं इसमें मटन ऐड कर दूंगी। जो ये मैंने सरसों का तेल, साबुत गरम मसाला, लहसुन की कलियां और 1 साबुत लहसुन और मटन डाला है, इसमें मैं सिर्फ अभी नमक मिलाऊंगी। बाकी का जो इसमें मसाले मिलाने हैं वो मैं बाद में मिलाऊंगी। बाद हम गैस में जो ये कुकर है, कुकर को हम बंद कर देंगे। अब ये एक विसल आ चुकी है, अब मैं इसको 15 मिनट के लिए सिम गैस में पकाऊंगी। ये 15 मिनट हो चुके हैं और मैंने गैस ऑफ कर दी है। अभी जब इसका स्टीम खत्म हो जाएगा फिर मैं कुकर को खोलूंगी और बाकी के जो मैंने मसाले डालने हैं वो मैं बाद में डालूंगी। कट बट जाता है, कोई बात नहीं। ऑन कर दिया तूने? हाँ, अब यहाँ पे कर ये चीज दिखना चाहिए। अब ये 15 मिनट के बाद इसकी जब स्टीम हट गई है तो मैंने इसको खोल दिया है और गैस सिम में है। अब मैं इसमें जो मैंने टमाटर चॉप कर रखा है चॉपर में, वो मैं इसमें डाल दूंगी। कश्मीरी मिर्च डाल दिया, जीरा पाउडर और ये मटन मसाला और ये जो अदरक मैंने ग्रेट कर रखा है। अब हम इसको सिम में 15 मिनट के लिए और पकाएंगे। ये हमने इसमें 1 टीस्पून हल्दी डाली और 2 टेबलस्पून हम इसमें ये धनिया डालेंगे और थोड़ी सी कुटी मिर्च
मिर्च आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल सकते हैं। अब मैं लास्ट में इसमें थोड़ी सी कसूरी मेथी डाल दूंगी और एक चम्मच घी। अब मैं ये मेरा जो मटन है सर्व करने के लिए तैयार है और हम इसको चावल के साथ खाएंगे और हम ये हरी धनिया से थोड़ा सा गार्निशिंग कर लेते हैं। तो आपको मेरी ये मटन बनाने की रेसिपी कैसी लगी आप मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और मेरे साथ जुड़े रहें। तब तक के लिए अपना बहुत बहुत ख्याल रखें। धन्यवाद।